जो कि टाइगर से जंगल में भाई फुल लफड़े ले लेता है। दूसरा तो ये है भाई, हाँ उसने नंगों से कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं रेसा कॉर्बेट से। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और ब्लॉक की शुरुआत हुई 6:30 बजे। तो भाई जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिम कॉर्बेट के बारे में, तो मैं कुछ एनिमल्स के बारे में बताता हूँ आज। तो भाई हमारा टॉपिक है कुछ वाइल्ड एनिमल्स के विषय में। तो भाई जैसे कि हमारे वहाँ कॉर्बेट में मिलती है स्पॉटेड डियर, जिसका बिहेवियर है हर्ट्स में रहना, और हर्ट्स में रहना। दूसरी है सांबा डियर, जो आपको मिलेगी फैमिली में, उसका बिहेवियर है फैमिली में, ग्रुप में रहना। और थर्ड वो है बार्किंग डियर, जो जो कि है सॉलिटरी एनिमल, छोटू सा होता है। तो उसकी साइटिंग आपको या एक या दो में ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाई डियर्स के बारे में बताया आपको, फिर कुछ बताते हैं। वाइल्ड बोर, एक होता है वाइल्ड बोर, जो एक मिलता है आपको बेयर, स्लॉथ बेयर, वो मिलता है ढेला और झेलना में। इसका नंबर है 40 और 80, पर इसकी साइटिंग बहुत रेयर होती है। क्या होता है कि आप ढूंढते किसी और कैरेक्टर को हो, आपको मिल ही जाता है, रैंडमली मुलाकात हो जाएगी इससे आपको, ये तो बहुत रेयर है। और एक ऐसी डिकाले में भी है जिसका नाम मैं भूल गया था खैर पहले, वो है हॉग डियर, जो कि डिकाला में दिखती सिर्फ। चौथी डियर दिखता है पिकॉक, कॉमन वाइल्ड लाइफ बता रहे हैं आपको हम। बाकी बिग कैट, बिग कैट में तो फिर टाइगर ही है, फिर लेपर्ड है, दो ही हैं बस। तो भाई तुम्हारा भाई हो गया स्कूल खेलते हैं, और अब दिखाएंगे आपको ब्लॉग शाम को भाई, जब स्कूल से आएंगे 2 बजे के बाद, ठीक है। फिर आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे कुछ जिम कॉर्बेट के बारे में, ठीक है। जब तक के लिए भाई, तो भाई आ गए हैं अभी स्कूल से, और बारिश देखो, बारिश की तकड़ी आ रही है भाई, बारिश शुरू हो रही है अभी। स्कूल से पहुँच रहे हैं, बस कपड़े चेंज कर रहे थे थोड़ा सा बस, और बाकी बारिश देख लो कितनी तेज़ पड़ गई है भाई। तो बारिश पड़ रही है, और ब्लॉक भी मैंने कहा यार थोड़ा बहुत बारिश पड़ रही है, चलो निकलते हैं थोड़ा भाई। 10-15 मिनट बारिश को हो गए होते होते, और भाई नाला देखो तुम, यहाँ पर पानी रहता है, बरसात में आता पानी, गर्मियों में सूख जाता है बस, बरसात में भर जाता है दबा के। भाई देख लो पानी संगर से, यहाँ से होते मेरे पार, फिर दिखाएंगे आपको जंगल और थोड़ा जंगल की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो भाई नाला तो हमने थोड़ा क्रॉस कर लिया, फिर भी पानी का जो है कीचड़ होता है, कीचड़ होता। भाई बाल भी भीग गए पूरे, देखो थोड़ा सा भीग गया था। तो भाई अब थोड़ा दिखाते हैं आपको व्यू, ठीक है। तो भाई व्यू देखो, बारिश का मौसम फुल है, और ये छोटा सा नाला है पनौत का भाई, जब ये आता है ना बहुत तगड़ा, गाड़ियाँ भी पलट जाती हैं यहाँ पर, देखो व्यू देखो। और जिम कॉर्बेट का जंगल, जंगल देख सकते हैं आप कैसा है। देखो गाड़ियाँ पार होने में नीचे से लग जाया करके, गाड़ियाँ बिल्कुल स्लो हो रही, क्योंकि कर रखा है ना ऐसा, मलबा भर गया पूरा। और जंगल ऐसा भाई, साल फॉरेस्ट है ज़्यादातर, आपको यहाँ साल का ही जंगल मिलेगा भाई। कभी आप विजिट करोगे तो सफारी भी करोगे जिम कॉर्बेट में, तो भाई आपको जंगल मिलेगा, तो साल का, साल फॉरेस्ट है। तो भाई इस व्यू को ज़रा आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ठीक है। भाई व्यू देखो, आपको कहा था कि वीडियो में पहले कि मैं आपको जिम कॉर्बेट के बारे में बताऊंगा कुछ। तो भाई जो जिम कॉर्बेट साहब थे ना, वो एक बहुत महान हंटर और एक राइटर थे। तो भाई उनने उन मेंटर टाइग्रसों को मारा है जिनका इंसानों को खाने में नाम था। तो भाई उनमें से एक का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उस टाइग्रस ने लगभग कितने मारे होंगे टाइगर, आपको बताया तो कमेंट में बताओ पहले। तो भाई उसने मारे थे 450 लोगों का, फिर 450 लोगों को किल किया था उसने, ये एक सरकारी डेटा है। इसमें से जो मिसिंग हुए थे, घायल हुए थे, इनका कोई काउंट नहीं, क्योंकि सरकारी डेटा आपको पता ही है ना। तो भी जानते भाई, हाँ। कुछ जानते हो आप जिम कॉर्बेट के बारे में? हाँ, यहाँ टाइगर बहुत दिखता है, हाँ। और हमारे तो घर में कलर लेपर्ड आया था। अच्छा, तुमने बताया नहीं है भाई, यार इसके घर में भी गए थे ना हम अभी, तो इसने बताया नहीं कि हमारे घर पे लेपर्ड आया था करके, आज एक बार बता देता तो, है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, पर जो जिम कॉर्बेट साहब थे भाई, उन्हीं की वजह से आप हम यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि
उन्होंने ये जिम वॉलेट को बचाया है। भाई व्यू देखो फिर, अब ये देखो व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है ना। ये मौसम है बारिश का, इस वजह से मौसम सुहाना बन रहा है। क्या ग्रीनरी, क्या मौसम आ रहा है भाई। बादल हो रहे हैं एकदम काले काले, अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। भाई चिड़िया के घोंसले देखो भाई। चिड़िया के घोंसले कहाँ, इधर? हाँ तो भाई उस पेड़ में है शायद चिड़िया के घोंसले, दिखते हैं किसके घोंसले है, जाते हैं उसके पास, ज़रा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। तो ये है भाई वो नेस्ट, तो भाई ये है बजा के नेस्ट वाइवर बर्ड, जो कि इसे भाई मेल बनाता है और फीमेल सेलेक्ट करती है। और ये घर भी इस तरीके से बनाते हैं कि दो रास्ते होते हैं ईजिली, कहीं भी अगर कुछ चीज़ इनको ईगल या स्नैक अगर इन पर हमला करता तो दो रास्ते होते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। तो भाई ऐसा लग रहा है कि ये तो चले गए यहाँ से, है ना। तो भाई जो दिव्यांशु भाई बता रहा था किसी घर पे लेपर्ड आया था, तो भाई अभी भी पखमार हैं। कब आया था दिव्यांशु भाई ये रात? दिव्यांशु 4 बजे के टाइम पे रात में। ये भाई लेपर्ड का पखमार है नहीं? हाँ। और दूसरा कहाँ है, किधर को गया? इधर को, वहाँ से आया था, यहाँ बैठा था। दूसरा कहाँ? क्या, अच्छा यहाँ बैठा था वो? हाँ। स्क्रैच लगाए नाखूनों से? अच्छा यहाँ बैठा था। फिर मदद की हो सकती है इसके लिए भाई? तार वाड़ की फेंसिंग। जालाल की तो हमारे घर के अंदर भी पानी घुस गया था, तो कुछ मदद हो सकती है तो करवा सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, अगर कोई इच्छुक हो तो कर देगा तो ठीक है, आपकी हेल्प है ना। पानी यहाँ तक घुसा था ना पूरे वाले अंदर, अंदर वाले कमरे में, वो छे धो गए कमरे के अंदर, यहाँ तक पानी का लेवल था ना। हाँ दिव्यांशु भाई दिखाते हैं भाई, कुछ दिख नहीं रहा, जरा रुको फ्लैश जलाते हैं। इतना पानी आता ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ पानी पूरा गीला गीला हो रहा है भाई। इतनी लाइट नहीं जल रही अभी जो भी, पर भाई पानी बहुत आया था यार दिव्यांशु के घर पे। भाई दिव्यांशु बोला जो हेल्प हो सकती है कोई कर देना, बस फ़ोन भी रुक गया था। बोल दिव्यांशु का कहाँ है फ़ोन? फ़ोन तो पता नहीं कहाँ, वो रामनगर दे रखा है। अच्छा तो भाई ठीक है, चलो जो भी है कोई हेल्प हो, काफ़ी नुकसान हुआ है भाई का। इतना पानी था पूरा इस सट्टे तक, अब तो जरा सूख गया धूप आने से। लेवल दिख रहा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब भाई, आपके लिए इतनी मेहनत है, एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना भाई। अगर हेल्प हो सके तो हेल्प भी भाई।